नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कथा मंथन में आज सुनिए ममता कालिया द्वारा रचित कहानी अपत्नी। हम लोग अपने जूते समुद्र तट पर ही मैले कर चुके थे, जहाँ ऊंची ऊंची सूखी रेत थी उसमें चले थे, और अब हरीश के जूतों की पॉलिश व मेरे पंजों पर लगी क्यूटेक्स धुंधली हो गई थी। मेरी साड़ी की परतें भी इधर उधर हो गई थी। मैंने हरीश से कहा, उन लोगों के घर फिर कभी चलेंगे? हम तो कह चुके हैं ना, लेकिन मैंने आज भी वही साड़ी पहनी हुई है, मैंने बहाना बनाया। वैसे बात भी सच थी, ऐसा सिर्फ लापरवाही से हुआ था। और भी कई साड़ियाँ कलफ लगी रखी थी, पर मैं पता नहीं कैसे यही साड़ी पहनाई। तुम्हारे कहने से पहले मैं ये समझ गया था, हरी ने कहा। उसे हर बात का पहले से ही भान हो जाता था, इससे बात आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं रहता। फिर हम लोग चुप चुप चलते रहते, इधर उधर की बात के लोगों व समुद्र को देखते हुए। जब हम घर में होते बहुत बातें करते और बेफिक्री से लेटे लेटे ट्रांजिस्टर सुनते, पर पता नहीं क्यों बाहर आते ही हम नर्वस हो जाते। हरी बार बार अपनी जेब में झांक कर देख लेता कि पैसे अपनी जगह पर है कि नहीं। मैं बार बार याद करती रहती कि मैंने अलमारी से में ठीक से ताला लगाया है कि नहीं। हवा हमसे विपरीत बह रही थी। हरीश ने कहा, तुम्हारी चप्पलें कितनी गंदी लग रही हैं, तो मेरी धोती क्यों नहीं? अरे कोई बात नहीं ना, मैं इन्हें साड़ी में छिपा लूँगी, मैंने कहा। हम लोग उन लोगों के घर के सामने आ गए थे। हमने सिर उठाकर देखा, उनके घर में रोशनी थी। उन्हें हमारा आना याद है। उन्हें दरवाज़ा खोलने में 5 मिनट लगे। हमेशा की तरह दरवाज़ा प्रबोध ने खोला। लीला लेटी हुई थी। उसने उठने की कोई कोशिश ना करते हुए कहा, मुझे हवा तीखी लग रही थी। उसने मुझे भी साथ लेटने के लिए आमंत्रित किया। मैंने कहा, मेरा मन नहीं है। उसने बिस्तर से मेरी और फिल्म फेयर फेंका, मैंने लॉक कर लिया। हरी आंखें घुमा घुमा कर अपने पुराने कमरे को देख रहा था। वह यहाँ बहुत दिनों के बाद आया था, मैंने उसे आने ही नहीं दिया था। जब भी उसने यहाँ आना चाहा था, मैंने बियर मंगवा दी, और बियर की शर्त पर मैं उसे किसी भी बात से रोक सकती थी। मुझे लगता था कि हरी इन लोगों से ज़्यादा मिला तो बिगड़ जाएगा। शादी से पहले वह यहीं रहता था। प्रबोध ने शादी के बाद हमसे कहा था कि हम सब साथ रह सकते हैं, एक पलंग पर वे और एक पर हम सो जाया करेंगे, पर मैं घबरा गई। एक ही कमरे में ऐसे रहना मुझे कतई मंजूर ना था, चाहे उससे हमारे खर्च में काफ़ी फर्क पड़ता। मैं तो दूसरों की उपस्थिति में पांव भी ऊपर समेट कर नहीं बैठ सकती थी। मैंने हरी से कहा था, मैं जल्दी नौकरी ढूंढ लूँगी, वह अलग मकान की तलाश करे। प्रबोध ने बताया उसने बाथरूम में गीज़र लगवाया है। हरीश ने मेरी तरफ उत्साह से देखा, चलो देखें। हम लोग प्रबोध के पीछे पीछे बाथरूम में चले गए। उसने खोलकर बताया, फिर इसने वह जगह दिखाई जहाँ तौलिया सिर्फ खोंस देने से ही लटक जाता है। हरी बच्चों की तरह खुश हो गया। जब हम लौटकर आए, लीला उठ चुकी थी और ब्लाउज के बटन लगा रही थी। जल्दी जल्दी में हुक अंदर ही नहीं जा रहे थे। मैंने अपने पीछे आते हरी और प्रबोध को रोक दिया। बटन लगाकर लीला ने कहा, आने दो ना, साड़ी तो मैं उनके सामने भी पहन सकती हूँ। वे अंदर आ गए। प्रबोध बता रहा था उसने नए 2 सूट सिलवाए हैं और मखमल का क्विल्ट खरीदा है, जो लीला ने अभी निकालने नहीं दिया। लीला को शीशे के सामने इत्मीनान से साड़ी बांधते देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और हरी था कि प्रबोध की नई माचिस की डिबिया भी देखना चाहता था। वह देखता और खुश हो जाता, जैसे प्रबोध ने यह सब उसे भेंट में दिया हो। लीला हमारे सामने कुर्सी पर बैठ गई। वह हमेशा पैर चौड़े करके बैठती थी, हालांकि उसके एक भी बच्चा नहीं हुआ था। उसके चेहरे की बेफिक्री मुझे बहुत ही नापसंद थी। उसे बेफिक्र होने का कोई हक नहीं था। अरे अभी तो पहली पत्नी से प्रबोध का तलाक भी नहीं मिला था, और फिर प्रबोध को दूसरी शादी की कोई जल्दी भी नहीं थी। मेरी समझ में इस लड़की को चिंतित होने के लिए यह पर्याप्त कारण था। उसे घर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कभी अपने यहाँ आने वालों से यह नहीं पूछा कि वे लोग क्या पीना चाहेंगे। वह तो बस सोफे पर पाँव चौड़े करके बैठ जाती थी। हर बार प्रबोध ही रसोई में जाकर नौकर को हिदायत देता था, इसलिए बहुत बार जब हम चाय की आशा करते होते, हमारे आगे अचानक लेमन स्क्वैश आ जाता। नौकर स्क्वैश अच्छा बनाने की गर्ज से कम पानी ज़्यादा सिरप डाल लाता था। मैं इसलिए स्क्वैश ख़त्म करते ही मुंह में जिंतान की एक गोली डाल लेती थी। प्रबोध ने मुझसे पूछा, कहीं अप्लाई कर रखा है? नहीं, मैंने कहा। ऐसे तो तुम्हें कभी नौकरी नहीं मिलनी, तुम भवन वालों का डिप्लोमा ले लो और लीला की तरह काम करना शुरू कर दो। मैं चुप रही। आगे पढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैंने तो BA भी रो रो कर किया था। नौकरी करना मुझे पसंद नहीं था। वह तो मैंने हरी को खुश करने के लिए कह दिया था कि उसके दफ्तर जाते ही मैं रोज आवश्यकता है कॉलम ध्यान से पढ़ती हूँ, और नौकरी करना मुझे थ्रिलिंग लगेगा।
और फिर जो काम लीला करती है उसके बारे में मुझे शुभा था। उसने कभी अपने मुंह से नहीं बताया कि वह क्या करती थी। हरि के अनुसार ज़्यादा बोलना उसकी आदत नहीं थी, पर मैंने आज तक किसी वर्किंग गर्ल को इतना चुप नहीं देखा था। प्रबोध ने मुझे फिर कुरेदा। मैं भी कुरेदने की गरज से कहा, सूट क्या शादी के लिए सिलवाए हैं? प्रबोध बिना झेपे बोला, अरे शादी में जरीदार अचकन पहनूंगा और सन एंड सैंड से मैं दावत दूंगा जिसमें सभी फिल्म हस्तियां और शहर के व्यवसायी आएंगे। लीला उस दिन इम्पोर्टेड विग लगाएगी और रूबीज पहनेगी। लीला विग लगाकर चौड़ी टांगे करके बैठेगी, यह सोचते ही मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, शादी तुम लोग क्या रिटायरमेंट के बाद करोगे? लीला अब तक सुस्त हो चुकी थी। मुझे खुशी हुई जब हम लोग आए थे उसे डनलप के बिस्तर में दुबके देख मुझे ईर्ष्या हुई थी। इतनी साधारण लड़की को प्रबोध ने बांध रखा था, यह देखकर आश्चर्य होता था। उसकी साधारणता की बात मैं अक्सर हरि से करती थी। हरि कहता था कि लीला प्रबोध से भी अच्छा आदमी डिजर्व करती थी, फिर हमारी लड़ाई हो जाया करती। मुझे प्रबोध से कुछ लेना देना नहीं था, शायद अपने नितांत अकेले और उबे क्षणों में भी मैं प्रबोध को ढील ना देती, पर फिर भी मुझे चिढ़ होती थी कि उसकी पसंद इतनी सामान्य है। प्रबोध ने मेरी ओर ध्यान से देखा, तुम लोग सावधान रहते हो कि नहीं अभी? मुझे सवाल अखरा। एक बार प्रबोध के डॉक्टर से मदद लेने से ही उसे यह हक महसूस हो, मैं यह नहीं चाहती थी, और हरीश था कि उसकी बात का विरोध करता ही नहीं था। प्रबोध ने कहा, आजकल उस डॉक्टर ने रेट बढ़ा दिए हैं, पिछले हफ्ते हमें 1,500 देना पड़ा। लीला ने सकुचाकर एक मिनट के लिए घुटने आपस में जोड़ लिए। कैसी अजीब बात है, महीनों सावधान रहो और एक दिन के आलस से 1,500 रुपये निकल जाएं, प्रबोध बोला। हरि मुस्कुरा दिया। उसने लीला से कहा, आप लेटिए, आपको कमजोरी महसूस हो रही होगी। नहीं, लीला ने सिर हिलाया, मेरा मूड खराब हो गया। एक तो प्रबोध का ऐसी बात शुरू करना ही बदतमीजी थी और ऊपर से इस संदर्भ में हरि का लीला से सहानुभूति दिखाना मुझे बिल्कुल नागवार था। हमारी बात और थी, हमारी शादी हो चुकी थी, बल्कि जब हमें ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे सबसे पहले लीला का ध्यान आया था। मैंने हरि से कहा था, चलो लीला से पूछें, उसे ऐसे ठिकाने का जरूर पता होगा। लीला मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम तो कहती थी तुमने मंगलसूत्र बनाने का ऑर्डर दिया है। हाँ, कब का आ गया, दिखाऊं? लीला अलमारी की तरफ बढ़ गई। प्रबोध ने कहा, हमने एक नया आसान तरीका ढूंढा है, लीला जरा इन्हें वह पैकेट दिखाना। मुझे अब गुस्सा आ रहा था, प्रबोध कितना अक्खड़ है यह मुझे पता था, इसलिए हरि को मैं इन लोगों से बचाकर रखना चाहती थी। हरि जिज्ञासावश उसी ओर देख रहा था जहां अलमारी में पैकेट ढूंढ रही थी लीला। मैंने कहा, रहने दो, मैंने देखा है। प्रबोध ने कहा, बस ध्यान देने की बात यह है, एक भी दिन भूलना नहीं, नहीं तो सारा कोर्स डिस्टर्ब। मैं तो शाम को जब नौकर चाय लेकर आता है तभी एक गोली ट्रे में रख देता हूँ। लीला अलमारी से मंगलसूत्र लेकर वापस आ गई। बोली, कभी किसी दोस्त के घर इनके साथ जाती हूँ तब पहन लेती हूँ। मैंने कहा, रोज तो तुम पहन भी नहीं सकती, ना कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। कुछ ठहर कर मैंने सहानुभूति से पूछा, अब तो वह प्रबोध को नहीं मिलती? लीला ने कहा, नहीं मिलती। उसने मंगलसूत्र मेज पर रख दिया। प्रबोध की पहली पत्नी इसी समुद्र से लगी सड़क के दूसरे मोड़ पर अपने चाचा के यहाँ रहती थी। हरि ने मुझे बताया था कि शुरू शुरू में जब प्रबोध के साथ समुद्र पर घूमने जाता था तो उसकी पहली पत्नी अपने चाचा के घर की बालकनी में खड़ी रहती थी और प्रबोध को देखते ही होंठ दांतों में दबा लेती, फिर बालकनी में ही दीवार से लगकर बाहों में सिर छिपाकर रोने लगती। जल्दी ही उन लोगों ने उस तरफ जाना छोड़ दिया था। प्रबोध ने बात का आखिरी टुकड़ा शायद सुना हो क्योंकि उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, गोली मारो मनहूसों को, इस समय हम दुनिया के सबसे दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। क्यों हरि, तुमने यह तरीका पसंद आया? हरि ने कहा, पर यह तो भुलक्कड़ है, इसे तो रात को दांत साफ करना तक याद नहीं रहता। मैं कुछ आश्वस्त हुई, हरि ने बातों को ओवन से निकाल दिया था। मैंने खुश होकर कहा, पता नहीं मेरी याददाश्त को शादी के बाद क्या हो गया है, अगर ये ना हो तो मुझे चप्पल पहनना भी भूल जाए। हरि ने अचकचाकर मेरे पैरों की तरफ देखा, वादे के बावजूद मैं पांव छिपाना भूल गई थी। उठते हुए मैंने प्रबोध से कहा, हम लोग बरटोली जा रहे हैं, आज स्पेशल सेशन है, तुम चलोगे? प्रबोध ने लीला की तरफ देखा और कहा, नहीं, अभी इसे नाचने में तकलीफ होगी। तो यह कहानी थी अपत्नी, जिसकी लेखिका है ममता कालिया।